हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाट्स एंड हाउ। मेरे चैनल वाट्स हाउ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपके पास में कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट वो भी आपकी CSV फाइल में या किसी एक फाइल में है, और उसे आपको, मान लीजिए मेरे डेस्कटॉप पे एक कॉन्टैक्ट नाम की फाइल है, एक मिनट, डेस्कटॉप पे है, मान लीजिए ये कॉन्टैक्ट है मेरे पास में, और इसको मुझे जो है अपनी अपने आउटलुक में इसे जो है मुझे इंपोर्ट करना है। ये मेरी, देखिए ये सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, ये देखिए ये मेरी मेल आईडीज़ हैं यहाँ पे। इस मेल आईडी को मुझे जो है अपने कॉन्टैक्ट जो हैं ये मुझे अपने आउटलुक में इसको लाना है। देखिए, अगर आप मेरा आउटलुक देखेंगे यहाँ पर, ये कॉन्टैक्ट यहाँ पे देखेंगे, कोई भी कॉन्टैक्ट यहाँ पे है नहीं मेरे यहाँ पे। तो कैसे आप कॉन्टैक्ट को इसमें आप ला सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मान लीजिए मैं आउटलुक में आ जाता हूँ या कॉन्टैक्ट पे ही क्लिक करता हूँ ताकि आपको यहाँ पे दिख जाए। कॉन्टैक्ट में हमारे कुछ नहीं है, अभी ज़ीरो है। तो हमें क्लिक करना है फाइल्स पे। फाइल्स पे क्लिक करेंगे तो ओपन एंड एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओपन एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे आप देखेंगे हमें इम्पोर्ट करना है फ्रॉम प्रोग्राम फाइल, ये वाला ऑप्शन हमें चूज़ करना है, कर लेना है इम्पोर्ट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम और फाइल, और इसमें हमें कर देना है नेक्स्ट। अब हमारे पास में जो फाइल्स है वो किस फॉर्मेट में, PST है या CSV है। हाँ, तो फ्रेंड्स जो आपका कॉन्टैक्ट है वो CSV के फॉर्मेट में होता है, तो हमें यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू पर यहाँ पर क्लिक कर देना है, और हमें क्लिक करना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका कॉन्टैक्ट कहाँ पे है, कहाँ पे सेव है, उसको हमें ब्राउज करके ओके कर देना है। और एक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे रिप्लेस डुप्लीकेट विद इम्पोर्टेड, यहाँ पे है कि अगर आप डुप्लीकेट करना को रिमूव करना चाहे तो रिमूव कर सकते हैं, या यहाँ पे क्लिक कर देना हमें डू नॉट इम्पोर्ट डुप्लीकेट में, यहाँ डू नॉट इम्पोर्ट डुप्लीकेट पर क्लिक कर दूंगा, और हमें क्लिक कर देना है नेक्स्ट पे, और हमें क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे अगर आपको देखेंगे कि ये कैलेंडर पे है या आर्काइव में है, तो हमें मेक श्योर करना है कि हमें कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके और हमें क्लिक करना है नेक्स्ट। और यहाँ पे देखेंगे, अगर आपको यहाँ पे देखेंगे कि मैप करने के लिए कस्टम फील्ड को मैप करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जैसे यहाँ पे कंपनी नेम है तो यहाँ पे हमें फर्स्ट नेम देना है पहले, तो यहाँ पे दे देंगे फर्स्ट नेम पहले, और यहाँ पे दे देंगे हम लास्ट नेम कंपनी पे, यहाँ पे हम दे देंगे लास्ट नेम। तो इस तरह से और बाकी चीज़ें जो हैं एज इट इज़ आप छोड़ दीजिएगा, इसमें करने की कोई ज़रूरत है नहीं। वैसे टाइटल यहाँ पे आ रहा है, उसको छोड़ दीजिए, और हमें कर देना है फिनिश पे। जब आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो देखिए कॉन्टैक्ट इम्पोर्ट हो रहा है, और इस तरह से आपके सारे कॉन्टैक्ट जो हैं इसमें आउटलुक में इम्पोर्ट हो जाएंगे, ये देखिए। तो अब इसी में अब हम देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास में ये कॉन्टैक्ट हैं और हमें किसी और दूसरे कंप्यूटर में ये कॉन्टैक्ट हमें डालने हैं, तो क्या करेंगे, abdul@abc.com। अब हमें इस कॉन्टैक्ट को दूसरे उसमें डालना है, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए एक और कंप्यूटर में इस कॉन्टैक्ट को, ये जो आउट कॉन्टैक्ट है, इस कॉन्टैक्ट को मुझे दूसरे में ट्रांसफ़र करना है, तो हम क्लिक करेंगे फाइल्स पे, ओपन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। हाँ, इस टाइम पे आपको याद रखना है, मान लीजिए आउटलुक में है, यहाँ पे हमें याद रखना है यहाँ पे कि इस टाइम पे हमें एक्सपोर्ट करना है, पहले हमने इम्पोर्ट किया था, अभी इसमें क्या करना है, हमें इम्पोर्ट करना है, सॉरी एक्सपोर्ट करना है, और क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। एक्सपोर्ट किस में करना है, मेक श्योर कि हमें CSV फाइल में ही कॉन्टैक्ट को एक्सपोर्ट करना है, और क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। अब हमें देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट हमें ढूंढना है कि कॉन्टैक्ट हमें देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट आ गया, और हमें क्लिक कर देना है नेक्स्ट पे, और लोकेशन हमें दे देना है कहाँ पे, कॉन्टैक्ट नाम का लोकेशन जहाँ पे सेव करना है आपको, वहाँ की लोकेशन देके नेक्स्ट करना है और फिनिश कर देना है। तो इस तरह से आपका कॉन्टैक्ट जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। मान लीजिए ये मेरा कॉन्टैक्ट है, मैं इसको कंट्रोल ए करता हूँ और शिफ्ट के साथ इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए मेरे सारे कॉन्टैक्ट इस टाइम पे डिलीट हो गए, मेरे आउटलुक में कोई भी कॉन्टैक्ट है नहीं अभी। तो हमने जो कॉन्टैक्ट को इम्पोर्ट किया है, अगर दूसरे PC में जाएंगे तो राइट क्लिक करेंगे, वही जो प्रीवियस वर्जन था हमें इम्पोर्ट कर लेना है CSV फाइल को दूसरे उसमें से, और ब्राउज कर लेना है ये कॉन्टैक्ट की हमारी फाइल है, और इसको क्लिक करके हमें जो है क्लिक कर देना है नेक्स्ट,
और यहाँ पे कॉन्टेक्ट पे सेलेक्ट है, और हमें कर देना है यहाँ पे कर देना है फिनिश। और इस तरह से आपका कॉन्टेक्ट जो है दोबारा से आपके आउटलुक में इंपोर्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।